नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। देहरादून नगर निगम में अक्सर विवाद के मामले आते रहते हैं, और लेकिन इस बार एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने निगम प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। राजधानी के बीचों बीच और तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं के बावजूद नगर निगम के रिकॉर्ड रूम से फाइलें चोरी हो गई हैं, और नगर निगम देहरादून में विवादित जमीनों के फाइल चोरी हो जाने के बाद हड़कंप मच गया है। और इस मामले में मेयर सुनील उनियाल गामा और मुख्य नगर अधिकारी मनोज गोयल ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं। आपको बताते चले कि नगर निगम के रिकॉर्ड रूम से करोड़ों रुपए के प्रॉपर्टी और विवादित जमीनों की फाइलें गायब होना अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। बीते दिनों रिकॉर्ड रूम के ताले को तोड़कर फाइलों की चोरी हो गई थी, और आपको बता दें कि अनुभाग में ही 8 कर्मचारी ड्यूटी पर रहते हैं और 24 घंटे सुरक्षाकर्मी भी तैनात रहते हैं। इसके अलावा CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं जगह जगह पर, और चोरी की इस घटना को निगम प्रशासन के सुरक्षा व्यवस्था की पूरी तरह से पोल जो है वो खुलती हुई दिखाई दे रही है। और वहीं इस मामले में कांग्रेस ने निगम प्रबंधन और मेयर सुनील उनियाल गामा पर सीधे तीखा हमला बोला है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता सुजाता पॉल ने कहा है कि निगम प्रबंधन की कार्य प्रणाली हमेशा सवालों के घेरे में रही है, और नगर निगम में लगातार भ्रष्टाचार के मामले सामने आते रहे हैं, और इसके लिए उन्होंने मेयर सुनील उनियाल की कार्य प्रणाली पर तंज कसा है। देखिए, दस्तावेज चोरी हुए हैं गंभीर विषय है, और ये क्या कारण था कि जो चोर ने खाली कागजों को ही टारगेट किया है, इसके लिए अधिकारियों को कहा गया है कि इसकी जांच की जाए। पुलिस में रिपोर्ट इसकी दर्ज करा दी है, लेकिन संतोषजनक बात यह है कि उसकी हमारे पास जो है सॉफ्टवेयर में हमारे पास उसकी कॉपी है। बताया गया है कि ऑलरेडी डिजिटाइज हो चुके थे, तो उनका डिजिटल रिकॉर्ड के माध्यम से इमीडिएटली निर्देश दे दिए गए हैं कि उनका प्रति जो है डेवलप करा ली जाए, ताकि पब्लिक को किसी प्रकार की सूचना लेने में समस्या ना हो। और पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट किया जा रहा है कि जो भी नगर निगम में यदि कोई CCTV कैमरे जो भी लगे हैं, और स्मार्ट सिटी के जो यदि CCTV कैमरे आसपास लगे हैं, तो उनके माध्यम से प्राप्त सूचनाओं को इस्तेमाल करते हुए इस केस का कार्रवाई पूर्ण कर ली जाए। देहरादून नगर निगम से ये खबर आ रही है कि वहां पे कुछ जरूरी फाइलें चोरी हो गई हैं। यदि ऐसा हुआ है तो ये चिंता का विषय है या नहीं, और ये जरूरी फाइलें बताई जा रही हैं। किस बारे में ये फाइलें हैं इसके बारे में खुलासा नहीं किया गया है, मगर मेयर की जिम्मेदारी होती है हर उस चीज की सुरक्षा जो नगर निगम के अंदर है। ऐसी खबरें तभी आती हैं जब किसी चीज को छुपाने की जरूरत होती है, या किसी बाहर वाले व्यक्ति को उस फाइल से कोई फायदा होने वाला होता है। आखिर उन फाइलों में ऐसा क्या था, और क्या नगर निगम की सुरक्षा इतनी कमजोर हो चुकी है कि कोई भी आएगा किसी भी फाइल को उठाएगा और चला जाएगा। सितारगंज मीना बाजार में दुकानदारों द्वारा किए गए PWD की सड़क अतिक्रमण को जल्द से जल्द हटने की चेतावनी विगत कर एक सप्ताह पहले दी थी, और जिस पर कुछ दुकानदारों द्वारा सड़क पर किए अतिक्रमण को हटा दिया गया था। लेकिन वहीं कुछ दुकानदारों ने दिए गए समय के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया, जिस पर PWD विभाग के JE सतपाल बुलडोजर लेकर मीना बाजार पहुंच गए, और सुरक्षा की दृष्टि से उनके साथ स्थानीय पुलिस बल और उप जिलाधिकारी भी मीना बाजार पहुंचे, जहां दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण को उन्होंने हटवाया। दिया गया है PWD द्वारा अपनी जो रोड है इसको खाली कराया जा रहा है। हम लोग पूरी पुलिस फोर्स और प्रशासन की तरफ से है, और हमारा यही उद्देश्य है कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। जो लोग टाइम के लिए जा रहे हैं उसमें PWD अपना अपना निर्णय ले रही है। उसमें मुझे लगता है पूर्व में भी पर्याप्त टाइम दिया गया था, और अभी तो ये लगातार जारी है। अगर स्वयं अगर तोड़ना चाह रहा है तो यही है कि कम से कम नुकसान हो।
ऋषिकेश में टेंडर को लेकर नगर निगम के लिए काम करने वाले ठेकेदारों का गुस्सा आखिरकार फूट पड़ा। भुगतान नहीं होने के कारण ठेकेदार नगर निगम के खिलाफ हरिद्वार रोड पर धरना प्रदर्शन करने में जुट गए हैं और ठेकेदारों का कहना है कि करीब 4 करोड़ रुपए का बकाया है और नगर निगम के अधिकारी बजट नहीं होने की बात कहकर भुगतान नहीं कर रहे हैं। ऐसे में ठेकेदारों के सामने कई प्रकार की परेशानियां खड़ी हो गई हैं और ठेकेदारों का साफ कहना है कि यदि जल्दी ही निर्माण से संबंधित उनका बकाया का भुगतान नगर निगम नहीं करता तो ठेकेदार उग्र आंदोलन के लिए भी बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी नगर निगम की होगी। ऐसा कि हमारे ठेकेदार जो नगर निगम में ठेकेदार भाई हैं, जो वर्षों से यहाँ पे काम करते हैं, अपनी सड़कें बनाते हैं, उनके भुगतान के विषय में धरना है। उनके भुगतान को लगभग 2 साल 3 साल किसी के 5 साल भी हो गए हैं। कभी आवश्यकता पड़ने पर आवश्यक अचानक से ठेकेदारों को बुला जाता है कि आप ये काम कर दो, वो काम कर दो, तो ठेकेदार अपने अधिकारियों के पास उनके काम कर देता है। और इसी खबर पर हमारे साथ ऋषिकेश से संवाददाता संजय शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, जिस तरह से भुगतान नहीं होने के कारण ठेकेदार जो है नगर निगम के खिलाफ हरिद्वार रोड पर ही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरा मामला क्या है? मामला ये है कि जो नगर निगम है पूरे 5 साल से लगातार, क्योंकि 5 साल पूरे हो जाएंगे उनको 2023 में, पूरे साल से वो उनसे काम करवाए जा रहे हैं, लेकिन उनकी जो काम करने की जो धनराशि है वो उनको अभी तक दी नहीं गई है। काफी लोग परेशान हैं क्योंकि उन्होंने अपनी जेब से पैसे लगा दिए, उनकी माली स्थिति खराब होने लगी है, तो अब वो मजबूर हो गए सड़क पे आगे अपना धरना प्रदर्शन करने लगे। लेकिन उनका कहना यह है कि जब तक ये हमें हमारी पुरानी पेमेंट नहीं करेंगे तब तक हम इनके कोई काम नहीं करेंगे, जिससे शहर की दशा बिगड़ने की पूरी उम्मीद है। जी संजय, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। प्रथम विश्व युद्ध के नायक और विक्टोरिया क्रॉस विजेता दरबान सिंह नेगी के शौर्य में ही आयोजित होने वाला 3 दिवसीय राजकीय शौर्य महोत्सव का खतौली खाल मैदान में आगाज हो गया है और प्रथम विश्व युद्ध के विक्टोरिया क्रॉस विजेता दरबान सिंह नेगी के गांव कफारी 3 के ही उनके पृथक गांव के प्रांगण में गढ़वाल और इसके साथ ही स्काउट, पूर्व सैनिकों और बीसी दरबार सिंह नेगी के परिजनों, जनप्रतिनिधियों और समस्त क्षेत्रवासियों ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित करके शौर्य को नमन किया और इसके बाद क्षेत्र की सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों ने भी वहां पर गांव के देवी मंदिर में ही पारंपरिक ढोल और ढमाऊ के साथ और सेना के गढ़वाल स्काउट में ही बैंडों की भक्तिमय और देश प्रेम के समुद्र धुनों के साथ ही शौर्य महोत्सव के विशाल पंडाल पर शानदार कलश यात्रा निकाली और यहां पहुंचकर समिति के अध्यक्ष ने राष्ट्रीय ध्वज और सेना के कैप्टन राजेश आर के सेना का ध्वज फहराया। आज हम सब लोग प्रथम विक्टोरिया क्रॉस बीसी दरबान सिंह जी के जो शौर्य राजकीय शौर्य महोत्सव है, हाँ, आज उसका विधिवत उद्घाटन हुआ है, शुभारंभ हुआ है और निश्चित रूप से यहाँ पर स्थानीय लोगों का इसमें बड़ा योगदान रहा है। जहाँ तक राजकीय मेले की बात है तो उसमें मुझे ऐसा लगा है कि अभी थोड़ा सा कुछ कमियाँ मुझे नज़र आई हैं। शौर्य महोत्सव का आयोजन शुभारंभ हुआ, यह हमारा 2019 से हुआ, लेकिन प्रथम बार 2021 में, जो कि अब पूर्ण रूप से लग रहा है कि सरकारी हाथों में आ गया है, और इसमें जो हमारा कमेटी था प्रथम विक्टोरिया क्रॉस दरबान सिंह नेगी वॉर मेमोरियल फाउंडेशन समिति का, अब रोल लगभग समाप्ति की ओर है, लेकिन हमने अपने लोगों से आग्रह किया है कि इसको सरकारी मेला न समझे, इसमें हम अपना पूर्ण योगदान करें तभी जाकर हमारा इस क्षेत्र का चौमुखी विकास हो पाएगा।
लक्सर के अकोड़ा कला गांव में ही किसानों के गन्ने के खेत में अचानक आग लग जाने से करीब 25 बीघा गन्ने की फसल जलकर राख हो गई है और इस दौरान करीब 5 किसानों का लाखों का नुकसान हुआ है और जब तक ग्रामीणों को पता चला तब तक लगभग 15 बीघा गन्ना जलकर खाक हो गया। और आपको बताते चले कि मामला की सूचना लक्सर दमकल विभाग को दी गई है और वहीं दमकल विभाग की गाड़ी को 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में 35 मिनट का समय लग गया और दमकल विभाग गाड़ी लेकर मौके पर पहुंचा लेकिन वहां भी उसकी लापरवाही सामने आई है। ग्रामीणों का आरोप है कि दमकल विभाग की गाड़ी के पास करीब 15 मीटर का पाइप था, वो भी नहीं चल पाया। पहले तो 15 बीघे पूरा फूक चुका था, ठीक जब हम खेत में पहुंचे तो 15 बीघे बांध फूक चुका था, तो फिर फायरब्रिगेड में फ़ोन किया गया वहां से, तो आधा घंटा बाद फायरब्रिगेड गाड़ी आई, तो फिर उन्होंने 20 फुट का पाइप जोड़ा, 15-20 फुट का, तो थोड़ी देर चल के फिर वो बंद हो गया, ठीक है, फिर उन्होंने वह फिर आगे चली नहीं। और इसी खबर पर हमारे साथ लक्सर से संवाददाता परवीन सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परवीन, लाखों का नुकसान हुआ है, खेत में भीषण आग लगी है, पूरा मामला क्या है? देखिए बिल्कुल सुमन, बताना चाहूंगा कि जो लक्सर तहसील क्षेत्र का कोंडा कला गांव है, इसमें महज तहसील 1 किलोमीटर की दूरी पर जो गन्ने खेत में आग लगी थी और जो सूचना दी गई थी फायर ब्रिगेड वालों को, लेकिन जो 1 किलोमीटर का रास्ता वो उन्होंने 35 मिनट में तय किया है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर फायर ब्रिगेड वालों के पास आग बुझाने के जो पूरे संसाधन नहीं है तो कैसे वो आग पर कंट्रोल पाएंगे। ग्रामीणों का आरोप ये भी है कि पहले तो बात यह कि जो सूचना दी गई थी, सूचना के 15 मिनट के अंदर ही जो दमकल की गाड़ी को पहुंच जाना चाहिए था, उसके बाद भी उन्होंने 35 मिनट का समय लिया। और सबसे बड़ी बात ये रही है कि जो दमकल की जो गाड़ी गई थी उनके पास जो पाइप था, पाइप महज 15 मीटर का था, जो कि जहां आग लगी हुई थी वहां तक नहीं पहुंच पाया। और अगर दमकल विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही है सामने आ रही है, अगर समय रहते दमकल विभाग की टीम वहां मौके पर पहुंचती और उनके पास पूरा पाइप भी होता तो शायद जितना गन्ना जला है किसानों का उनका नुकसान कहीं ना कहीं कम हो पाता। जी परवीन, जिस तरह से नुकसान अब किसानों का हो गया है तो किसान क्या सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं? बिल्कुल देखिए, बिल्कुल जिस तरह से जो किसानों का आरोप है कि जो एक महिला थी वो जिसका गन्ना छिला था उस गन्ने में उनकी आग लगी थी और उसी के कारण जो है वो और किसान है जिनका लगभग 30 बीघा गन्ना जलकर राख हो गया है, उन्होंने लक्सर एसडीएम से भी अपने जो मुआवजा उसकी मांग की है और जो गन्ना विभाग है उनसे भी उन्होंने अपील की कि जो हमारा गन्ना जलगा उसको जल्दी जल्दी जता से मिल में भेजने का कृपा करे। और जो साथ ही साथ उन्होंने जो थाने एक प्रार्थना पत्र दिया, उनका आरोप ये भी जो महिला है अगर उसकी लापरवाही होती है तो किसानों का लगभग जो 30 बीघा गन्ना जलकर राख हुआ है ये भी कहना कहीं जाता। और समझ एक चीज सबसे बड़ी बात यह है कि जो दमकल विभाग के यहाँ अधिकारी हैं उनकी इतनी बड़ी लापरवाही सामने आती है कि जहाँ 5 मिनट का समय लगता है उनको वहां 35 या 40 मिनट लग जाती है। अगर दमकल विभाग अपनी इतनी लापरवाही रखेगा तो जो क्षेत्र में जो गन्ने की किसानों की जो फसलें जल रही हैं या कोई और भी बड़ी घटना घट सकती है, तो कहीं ना कहीं अगर इन पर भी कार्रवाई की जाए तो तभी जाकर कहीं ना कहीं जो दमकल विभाग है ये अपनी लापरवाही से बच सकते हैं। जी बिल्कुल परवीन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। शाहजहांपुर कोर्ट ने सांसद अरुण सागर को फरार घोषित किया है। आपको बताते चले कि सांसद अरुण सागर आचार संहिता उल्लंघन मामले में हाजिर नहीं हुए थे और जिसके बाद उनके घर के बाहर नोटिस चस्पा करने के आदेश दिए गए हैं। तो शाहजहांपुर से खबर आपको बता रहे हैं जहां पर सांसद अरुण सागर को फरार घोषित कर दिया गया है। आपको बताते चले कि सांसद अरुण सागर को फरार घोषित किया गया है। और इसी खबर पर हमारे साथ शाहजहांपुर से ही संवाददाता शानू सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शानू, जिस तरह से मामला सामने आया है कि सांसद अरुण सागर को फरार घोषित कर दिया गया है, पूरा मामला क्या है विस्तार से बताइए। लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन का आरोप लगा था 2019 में और बिना अनुमति के होल्डिंग लगे थे, तो उसी पे आचार संहिता का उल्लंघन के आरोप में पूर्व गृह मंत्री हाजिर किया गया। जिस तरह से खबर सामने आ रही है सानू की सांसद जो है अरुण सागर आचार संहिता उल्लंघन मामले में हाजिर नहीं हुए थे, तो ये मामला क्या था वो विस्तार से बता दीजिए।
इसलिए सर कार थाना क्षेत्र में बिना अनुमति के होर्डिंग लगे हुए थे, तो उसमें जो नहीं पहुंचे थे और इनको एक बार गैर जमानती का जो है न्यायालय ने वारंट जारी किया था, उसमें भी ये नहीं हाजिर हुए थे। उसके बाद में इनको फरार घोषित कर दिया है। अब इनके आवास पे जो है कल एसीजीएम तृतीय ने जो है कि आवास के बाहर जो है नोटिस बाद चस्पा करने का आदेश दिया है। जी साना, पुलिस प्रशासन की आगे क्या कार्रवाई रह सकती है इसमें? देखिए अभी पुलिस प्रशासन की तरफ से अभी तो कुछ नहीं है, वहीं से अभी बात हुई, वहाँ सांसद जी से जब बात हुई तो सांसद जी ने बताया है कि इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, और उन्होंने बताया है कि समर्थक ने होर्डिंग लगवाया था जिस पर आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज हुआ था, उनका भी नाम है उसमें। इसके बाद वकील के माध्यम से वो अपना पक्ष न्यायालय में रख रहे थे और उनके विरुद्ध क्या आदेश जारी हुआ इसकी जानकारी नहीं है, सांसद जी ने ये बताया। जी सानू, बहुत बहुत शुक्रिया पूरे मामले पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम जानकारी देने के लिए। क्रिया है वो न्यायालय में हाजिर नहीं हो रहे थे, इसलिए पहले एनपीडब्ल्यू चल रहा था, अब 82 की कार्रवाई हुई है। और इनका मामला ये था कि 171 है चाहे पीसी और 127 ए लोक प्रतिनिधि अधिनियम 19 से बात चल रहा था, और न्यायालय में हाजिर नहीं हो रहे थे, इसलिए न्यायालय की समान प्रक्रिया ये हर में जो का अभियुक्त हाजिर नहीं होता है न्यायालय में भाई यही हुई है, 82 में ये फरार माना जाता है। तो आपको बता दें शाहजहांपुर से खबर है जहां पर घर के बाहर नोटिस चस्पा के आदेश दिए गए, और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि सांसद अरुण सागर को फरार घोषित किया गया है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। फिरोजाबाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, देर रात ही पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, और पुलिस ने पकड़े गए अभियुक्तों के पास से 14 किलो अवैध गांजा के साथ एक गाड़ी और दो मोबाइल बरामद किए हैं। वहीं पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। और इसी खबर पर हमारे साथ फिरोजाबाद से संवाददाता किशन चंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किशन, पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जी मैं बताना चाहूंगा, जिस तरीके के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो अपराधियों के खिलाफ जो रवैया है, उनको धर पकड़ कर तुरंत जेल में डालने का है, और जहां तक की है कि उन्होंने कहा भी था कि अपराधी जो है उत्तर प्रदेश छोड़ दें वरना उनकी जगह कहीं और होगी, इसी को लेकर जो पुलिस प्रशासन है पूरी तरह मुस्तैद है। इसी क्रम में जो है ये गांजा तस्करों को दो गिरफ्तार किया गया, जिनका नाम है, एक का नाम है वेद प्रकाश, एक का नाम है कोकर सिंह। इनको मोहम्मदाबाद कट से गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से करीब 14 किलो गांजा बरामद किया है, और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों को आरोपियों को जेल भेज दिया है, और पूरे मामले की जांच की जा रही है कि आखिरकार ये गांजा कहाँ से लाया गया था, कहाँ ले आया जा रहा था। जी किशन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। प्रदेश सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर तमाम तरह की योजनाएं और कार्य कर रही है, और सरकार का प्रयास है कि गरीब तबके के सभी लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं आसानी से मुहैया हो सके, और इसको लेकर ही CSC और PSC जिला चिकित्सालय के अलावा मेडिकल कॉलेज के बाहर ही ये आने वाले सभी मरीजों की सुविधाओं के करोड़ों करोड़ रुपए की सरकार द्वारा आवंटित भी किए जा रहे हैं, लेकिन कुछ विभागीय लोग बाहरी लोगों से मिलकर सरकार और स्वास्थ्य विभाग के सभी मंसूबों पर पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। सरकार द्वारा गरीब तबके के मरीजों को 1 रुपए की पर्ची पर सभी स्वास्थ्य सेवाएं दी जानी है, लेकिन डॉक्टर इन मुनाफाखोरों से मिलकर मरीजों की जेब ढीली करने में लगे हुए हैं और सरकार के मंसूबों पर पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोराबार के ही परिसर में दलालों ने पूरी तरह से अपना अड्डा जमाया हुआ है, और स्वास्थ्य केंद्र पर इलाज कराने आए अधिकांश मरीजों को डॉक्टर द्वारा बाहर से दवा की पर्ची दी जा रही है। देखिए ऐसा है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए कारपोरेशन से जो भी औषधियाँ जितनी भी मिलती हैं सभी औषधियाँ वहाँ उपलब्ध है, खोराबार में ही हमारा ड्रग स्टोर भी है, तो हम इस बात को तो नहीं करते हैं आप, और ना ही किसी जनप्रतिनिधियों ने हमसे कोई इस प्रकार की कोई शिकायत की है।
और इसी खबर पर हमारे साथ गोरखपुर से संवाददाता दानिश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दानिश, जिस तरह से मामला सामने आया है कि मरीजों की जेब ढीली की जा रही है, गरीब मरीजों को एक रुपए का पर्चा दिया जाता है, उसके बाद दवाई दी जाती है, लेकिन यहाँ पर तो अलग ही धंधा चल रहा है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोरा मार्ग है, शहर से ही कुछ किलोमीटर की दूरी पे है, वहाँ पे जो ग्रामीण पूरी तरह से ग्रामीण लोग आते हैं, जो गरीब तबके से मजदूर तबके के लोग होते हैं, उनको जो दवा लिखी जा रही है लगातार, जो है प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री जो है सभी गरीबों तक अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनके जो डॉक्टर अपने फायदे के मुनाफे के लिए जो है बाहर की दवा देते हैं और अंदर से एक दो दवा लेती है, और बाकी जो दवाइयाँ होती है जो सभी ग्रामीणों को 300, 400, 500, 1000 की दवा बाहर से लिखी जाती है, जो कि वो लेने में सक्षम है। ये बात जब हम लोगों को जानकारी मिली तो हम लोग मौके पर पहुंचे, बातों को पूरा जानकारी भी इसका खबर बनाया, तो उन ग्रामीणों ने हम लोग मिलकर बताया कि देखिए यहाँ के जो डॉक्टर है अंदर की दवा एक तो मिलती है यहाँ से, और बाकी जो दवा होते हैं 200, 300, 400 की दवा वहाँ से सभी मरीजों को लिखी जाती है। इसकी शिकायत तो हमने इसकी बात की और यहाँ के जो जिले के अधिकारी इससे बात की, ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं चीजें हैं, तो उन्होंने कहा कि आपके माध्यम से जानकारी मिली है, इससे कार्रवाई की जाएगी और किसी जनप्रतिनिधि ने हमसे कोई भी बात बताए आपके माध्यम से जानकारी जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। जलौन में सफाई कर्मी धरने पर बैठे हैं। आपको बताते चले कि आरोप है कि कूड़ा गाड़ी में कूड़ा डालने की बात के चलते ही दबंग ने सफाई कर्मी के साथ लोही की रोड से मारपीट की थी, और जिसके बाद मामले को लेकर सैकड़ों सफाई कर्मचारी नगर पालिका परिषद में धरने पर बैठ गए। वहीं सूचना पर पहुंचे नगर पालिका अधिकारी सफाई कर्मियों को समझाने में जुटे रहे। बलरामपुर में अज्ञात कारणों से लगी आग ने 6 घरों की गृहस्थी उजाड़ कर रख दी है। आपको बताते चलें कि आग के कारण सभी 6 घरों का सारा सामान जलकर खाक हो गया है। आग लगने का पता लगने पर ही आग पर काबू पाया जा सका और आग से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। यहाँ पे आज लगभग 5:00 आग लग गई थी यहाँ पे, और जिससे कम से कम यहाँ पे 6-7 घर आग में पूरी तरीके से नष्ट हो गए हैं आग में, जिनका नाम है दुखरन लोहार, मायावती यादव और रामअचल और जगदीश वर्मा, लल्लू और ननकने लोहार का जी। इन लोगों का घर पूरी तरीके से वो हो गया है। बलरामपुर में जंगल से सटे इलाकों में लगातार जंगली जानवरों के हमले बढ़ रहे हैं। आपको बताते चलें कि देर शाम 8 साल के बच्चे को जंगली जानवर ने अपना शिकार बना लिया। बच्चा अपने घर के बाहर खेल रहा था और इस दौरान जंगली जानवर उसे अपना शिकार बना लिया और जिसके कारण बच्चे की मौत हो गई है। वहीं मामले को लेकर घर में मातम का माहौल है। ग्रामीणों की आशंका है कि तेंदुए के बच्चे को अपना शिकार बनाया गया है, और आपको बताते चलें कि इससे पहले भी गाँव और आसपास के कई पालतू जानवरों और लोगों को तेंदुआ अपना शिकार बना चुका है। कुशीनगर के डडोरा नगर में ही मौजूद सेंट जेवियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक छात्रा ने तीसरी मंजिल से नीचे छलांग लगा दी, और जिसके बाद परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। छात्रा को आनन फानन में नगर में मौजूद एक निजी अस्पताल में पहुंचाया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। बता दें आपको कि इलाज के दौरान ही उसे दूसरे अस्पताल में भी रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल की जा रही है, और इस संदर्भ में स्कूल के प्रबंधक ने बताया है कि यह कैसे हो गया कि हमें नहीं पता चला, और इसके बड़ी बात यह है कि तमाम निजी स्कूल है लेकिन सुरक्षा के दृष्टिकोण से किसी भी स्कूल में व्यवस्थाएँ देखने को नहीं मिलती हैं। स्कूल 2-4 मंजिल में तैयार कर दिए जाते हैं लेकिन सुरक्षा के दृष्टिकोण से स्कूल प्रबंधक किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं कर पाता। आज मुझे 12 बजे फ़ोन आया कि एक लड़की है गरिमा करके, आज उसका एग्ज़ाम था, वो क्लास 11th में बायो में पढ़ती है, सो कि छत से
बताया कि छत से गिर गई। सीतापुर में बच्ची को गोद लेने के विवाद में दो पक्ष आपस में भिड़ गए। बताते चले कि बच्ची को मां की मौत के बाद पड़ोसी महिला ने गोद लिया था और वहीं कल कोर्ट ने बच्ची को पिता के हवाले कर दिया, लेकिन जिसके बाद पुलिस की कार्यशैली से नाराज दूसरे पक्ष के साथ मिलकर ही किन्नरों ने गाड़ी पर पथराव किया और हंगामा कर दिया। पुलिस ने हंगामा और पथराव कर रहे लोगों पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। फरुखाबाद में तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराती हुई बिजली पोल तोड़कर आगे जा पलट गई और वहीं तेज रफ्तार कार के ही बिजली पोल तोड़ने पर बड़ा हादसा होने से टल गया। बताते चले कि बिजली पोल पर लाइन चालू नहीं थी और नहीं तो करंट के कारण बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं घटना में गाड़ी में बैठे ड्राइवर सहित सवारियां बाल बाल बच गई। मौके पर पहुंचे ग्रामीण ने सभी को गाड़ी से बाहर निकाला। मथुरा में टोल प्लाजा से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर एक ट्रैक्टर जलता हुआ और लेकिन कई घंटों तक ही दमकल की गाड़ियां नहीं पहुंची। जानकारी के अनुसार थाना सुरीर क्षेत्र के अंतर्गत यमुना एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन के पास में ही आगरा से नोएडा की तरफ जा रहे 22 चक्कर ट्रेलर के कैबिन में ही अचानक आग लगने से गाड़ी चला रहे ड्राइवर गाड़ी की रोड पर ही किनारे खड़ा करके अपने आप को बचाते हुए गाड़ी से कूद गया। घटना के दौरान अकेला ड्राइवर ही गाड़ी में सवार था और ड्राइवर ने बताया है कि अचानक लगी आग ने ही तीव्रता से भयंकर रूप धारण कर लिया और देखते ही देखते पूरी गाड़ी जो है आग के हवाले हो गई। गाड़ी उड़ीसा से लोहे के कॉइल लेकर बिलासपुर जा रही थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।